हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्लास नंबर 11 वीडियो है, जिसमें हम ऊन के बारे में डिस्कस करेंगे। बिगिनर्स के लिए ऊन किस तरीके से ख़रीदनी है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कौन सी ऊन अच्छी है, 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई, सभी तरह की ऊन मैं आपको दिखाऊंगी जो भी हमारे आसपास में मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं। कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप मेरी ऊन की शॉपिंग देखना चाहते हैं तो इससे पहले 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ मैं, उसमें आप मेरी शॉपिंग और मेरे पास में ऊन की कलेक्शन जो ऊन मेरे पास हैं सारी उसमें मैंने दिखाई हुई हैं। ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में भी मैं वो वीडियो लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जितनी भी तरह की ऊन हमारे आसपास में मिलती है, उन सब में जो सबसे पहले नाम आते हैं वो है वर्धमान, ओसवाल और गंगा। ये 3 ब्रांड्स हैं जिसकी ऊन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिकती है, और उनकी जो वैरायटी होती है उसमें 2 प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई, ये 3 जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ये 3 प्लाई के टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको 2 प्लाई की वूल, और ये एक ऐसी ऊन है, ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये एक ऐसी ऊन है जो आपको सभी जगह पर मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा ये पटरी पर मिलती है, उसके बाद में दुकान पर भी आपको मिल जाती है, लेकिन जो पटरी वाली जो दुकानें होती हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा ऊन की सेल ये वाली ऊन होती है, और ये ऊन 2 प्लाई की होती है। हैंग्स में मिलती है ये, मैंने यहाँ पर इसका बॉल बनाया हुआ है लेकिन ये हैंग्स में मिलती है। देखिए 2 धागे हैं इसके अंदर। प्लाई की पहचान इसी तरीके से की जाती है, कोई भी ऊन है 4 प्लाई, 3 प्लाई, 2 प्लाई, तो उसको जब आप थोड़ा सा बल उसके खोलेंगे ना तो आपको उसमें तार नज़र आएंगे कितने तार हैं। तो जितने भी उसमें तार हैं उतनी ही प्लाई की ऊन वो बोली जाती है। इसमें 2 तार हैं तो ये 2 प्लाई की वूल है, और ये देखने में रस्सी की तरह नज़र आती है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रस्सी के जैसी लगती है ये। और इसमें जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कोई भी स्वेटर बनाएंगे आप, चाहे वो सिलाई वाली बुनाई से बनाएं, चाहे आप क्रोशे वाले वर्क से करें, ये जो ऊन है इसमें डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इस ऊन को कई बार यूज़ किया है स्टार्टिंग में, जब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो मैं इसका जो पैटर्न बनाती थी तो उसमें डिज़ाइन इतना ज़्यादा सफाई से नज़र नहीं आता था। तो ये वाली जो ऊन है ना ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। हाँ, तो ये ऊन मैं बिल्कुल भी अब तो खैर नहीं ख़रीदती हूँ। जितनी भी ऊन मेरे पास में है वो सिर्फ सिखाने के लिए हैं, मतलब जैसे कि जो वीडियोज़ में मैं आपको सिखाने के लिए ऊन यूज़ करती हूँ उसमें मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन जब कोई बेबी ड्रेस या जैकेट, लेडीज़ जैकेट या कोई कुछ भी प्रोजेक्ट में बनाती हूँ तो उसमें अब ये वाली ऊन यूज़ नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर 2 प्लाई में एक और ऊन आती है, वैसे तो खैर कई तरह की ऊन आती हैं लेकिन एक ऊन है उसमें जो कि ये है, ये वर्धमान की मिलेनियम है। ये ऊन काफ़ी अच्छी है 2 प्लाई में, अगर आपके आसपास में ये मिलती है तो आप इस ऊन को ख़रीद सकते हैं। ये देखिए ये रस्सी की तरह नहीं होती है, थोड़ी सी क्लीन होती है ये, और इसमें जो पैटर्न बनता है ना वो फिर भी उभर कर दिखाई देता है। तो 2 प्लाई में आप ये वाली ऊन ले सकते हैं, वर्धमान की मिलेनियम है ये। इसमें शायद एक सेंसेशन भी आती है, वो पता नहीं मुझे 2 प्लाई है या 3 प्लाई है, लेकिन वर्धमान की सेंसेशन भी आती है, वो भी ऊन ठीक रहती है। तो ये हो गई 2 प्लाई, उसके बाद में बात करते हैं 3 प्लाई की ऊन की। तो 3 प्लाई में मेरे पास में फ़िलहाल ये वाली ऊन है, और ये है ये जो ऊन मैंने भी आपको दिखाई थी 2 प्लाई में, इसका मैंने कभी भी किसी भी हैंग पर कोई लेबल नहीं देखा है किस कंपनी की होती है, क्या ब्रांड है इसका, तो मुझे नहीं पता। ये वाली जो ऊन है ये सारी खुल गई, ये देखिए ये वाली ऊन है माइक्रो निट, ये गंगा की माइक्रो निट है, और ये 3 प्लाई में है। इसके बल अगर आप खुल कर देखेंगे तो इसमें आपको 3 तार नज़र आएंगे। तो ये 3 प्लाई का हो गया। ये ऊन काफ़ी अच्छी है, इसका जो आप जो भी बनाएंगे ना स्वेटर, जैकेट, बेबी ड्रेस वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, हल्की सी इसमें शाइनिंग रहती है, बहुत ही हल्का सा इसमें रेशा भी है जो कि अच्छा भी लगता है ऊन के ऊपर। तो ये ऊन अच्छी है, ये वाली ऊन मेरे पास इस टाइम काफ़ी सारी है, कई सारे कलर के हैंग्स हैं मेरे पास में, और आने वाले टाइम में इन सबका मैं आपके साथ में कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर दिखाऊँगी, लेडीज़ जैकेट, बेबी ड्रेसेस, बहुत सारा सब कुछ सोचा हुआ है मैंने। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके साथ में आपको मिलेंगे। इसमें 75% एक्रीलिक है, 25% नायलॉन है। तो जब भी आप कोई वूल देखें तो आप शॉपकीपर से बोलें कि इसका लेबल की साइड हमें दिखाइए, और जो भी उस पर लेबल पे लिखा हुआ है उससे सेटिस्फाई होने के बाद में आपको ऊन खरीदनी है, ठीक है। कलर तो आपकी चॉइस रहती है। तो ये 3 प्लाई की हो गई। तो 4 प्लाई में ये माइक्रो शाइन वूल है जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ की जाती है, ये 4 प्लाई की शाइनिंग वाली वूल होती है।
इसमें तीन धागे वूल के होते हैं और एक धागा इसमें रेशम जैसा होता है, कुछ शिमरी टाइप का सा, ये वाला। तो ये भी 4-ply है और इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसमें जो डिज़ाइन वो भी काफ़ी अच्छा उभर कर आता है। ये प्लेन में भी आती है और इस तरीके से प्रिंटेड वूल में भी ये मिलती है। तो ये ऊन भी आप खरीद सकते हैं। इसमें बेबी ड्रेस, जैकेट, श्रग वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। काफ़ी सॉफ्ट रहती है इसकी जो भी चीज़ आप बनाते हैं। और ये जो प्रिंटेड वाली जो वूल है ना, इसके साथ जब हम काम करते हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप डिज़ाइन पर ध्यान दे रहे हैं कि आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए, खूबसूरत चाहिए, तो आप प्लेन ऊन के साथ में काम करें। अगर आप एक बिगिनर हैं, हल्का फुल्का डिज़ाइन डालकर अच्छा सा पीस बनाना चाहती हैं, तो फिर आप इस तरह के ऊन को चूज़ कर सकती हैं जो कि कलर्स में आती है, मल्टी कलर्स में आती है, प्रिंट में आती है। तो उसमें फिर आप हल्का फुल्का डिज़ाइन भी डालेंगे ना तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप मल्टी कलर में काम करते हैं तो उसमें कलर ज़्यादा बोलते हैं, अगर आप प्लेन कलर में काम करते हैं तो उसमें डिज़ाइन ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए आपको ऊन सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है। और 4-ply में एक वैरायटी ये आती है, ये होती है ब्रायलॉन वूल के नाम से। ये हैंक भी मिलते हैं इसके और इसके बॉक्स भी आते हैं। तो ये ऊन थोड़ी पतली होती है और मेरी फेवरेट ऊन है ये। इसमें जो पैटर्न डालते हैं ना बहुत खूबसूरत आता है। थोड़ी ऊन पतली है, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन इसका जो पीस बनकर आता है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस वाली ऊन के साथ में, ये दोनों ऊन के साथ में मैंने एक फुल स्लीव कार्डिगन बनाया है अपने चैनल पर, वो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत कार्डिगन बनाया है वो। और इसमें भी प्लेन वूल भी आती है और इसमें प्रिंटेड भी आती है, मल्टी कलर में भी आती है। ये जो ऊन आप देख रहे हैं ना, ये सारे कलर एक ही हैंक के अंदर थे। तो इसमें मैंने एक जैकेट बनाई थी फ्लावर वाली मल्टी कलर की, तो उसमें ये ऊन मैंने यूज़ की थी, बहुत ही खूबसूरत जैकेट बनी है वो। तो इस तरह की ऊन भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टी कलर में जो वूल होती है उसमें कलर्स ज़्यादा बोलते हैं, प्लेन में डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये हो गया 4-ply। एक 4-ply आती है ये वाली, ये है सॉक्स यार्न, ये वाली, ये दोनों ऊन सॉक्स यार्न है, ये 4-ply में है। ये मल्टी कलर के बोल आते हैं, इस तरह से बोल आता है, इसके ऊपर लेबल भी होता है। ये भी ऐसा ही बोलता है, ये मैंने हाथ से बची हुई उनका गोला बना लिया था। तो ये 100% पॉलिस्टर होती है मेरे ख्याल में, और ये सॉक्स बनाने के लिए इसलिए काम में आती है क्योंकि सॉक्स जल्दी घिस जाते हैं, फट जाते हैं एड़ी ऊपर से। तो सॉक्स थोड़े ज़्यादा मजबूत होने की वजह से ये ऊन पॉलिस्टर में बनाई गई है। ये भी ऊन काफ़ी अच्छी है वैसे, अगर इसके साथ काम करते हैं ना तो इसमें डिज़ाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत आता है, क्योंकि ये ऊन जो है इसके बल काफ़ी खूबसूरत हैं। लेकिन सॉक्स के अलावा भी आप इसमें हैंड बैग्स वगैरह बना सकते हैं, शॉपर या हैंड बैग, अगर आप चाहें पर्स, कॉइन पर्स बनाना तो आप इस ऊन को ले सकते हैं। बॉल में मिलती है ये, तो आप चाहे जितनी ख़रीद सकते हैं, और ये भी ऊन काफ़ी अच्छी है। और तो ये 4-ply हो गई, ये 4-ply हो गई, ये वाली 4-ply हो गई, ये 4-ply हो गई। 4-ply में मेरे पास काफ़ी कुछ है। अच्छा, मल्टी कलर में एक ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आपको, ये ऊन है और ये 3-ply होती है। ये गंगा की स्पेक्ट्रम है, मल्टी कलर में अगर आप चूज़ करना चाहें तो इसके कलर्स आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल जाएंगे। 12-13 टाइप की ये ऊन आती है बॉल में। तो ये मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉरी 3-ply नहीं है, 2-ply की ऊन है ये, गंगा की स्पेक्ट्रम है। और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, जैसे कि ब्लू कलर में, ब्लू के साथ इसमें कंट्रास्ट दिए गए हैं, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, येलो कलर में, पिंक कलर में, बहुत सारे कंट्रास्ट इसके मिल जाते हैं। तो अगर आप मल्टी कलर में काम करना चाहें तो ये बहुत अच्छी है ऊन, और ये गंगा की स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा एक क्रिप्टो भी आती है, वो भी ऊन बहुत अच्छी है, थोड़ी उसकी क्वालिटी इससे भी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अभी वो मेरे पास में है नहीं, उसमें वूल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है इसके मुकाबले। ये 100% एक्रीलिक है, वो जो आती है वो वूल में भी आती है। और इसके अलावा ये रेशे वाली ऊन, फेदर ऊन मिलती है 3-ply की, ये भी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ को पसंद आती है। इसमें ये मेरे ख्याल में नई ऊन आई है, ये मैंने पहली बार ही देखी थी जब मैं ऊन लेने के लिए गई थी। तो इसमें 3-ply है रेशे वाली, और उसके अलावा 1-ply इसमें एक तार दिया गया है चमकीला वाला, कुछ शिमरी टाइप का प्लास्टिक का सा तार है ये देखिए। तो इससे ऊन में एक बहुत ही अच्छी शाइनिंग है, बहुत खूबसूरत ऊन है ये। दो बॉल लिए थे मैंने, एक पिंक कलर का और एक ये लेमन येलो कलर का। इसका भी बहुत ही जल्दी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस ऊन में भी यही है, ये देखिए इस तरह से भी आती है ये, और ये सिंगल कलर में भी आती है, जैसे कि ये है ना सिंगल कलर में, ऐसे ही ये वाली ऊन भी सिंगल कलर में भी मिल जाती है। ये भी 100 ग्राम का बॉल होता है।
इसमें भी अगर आप डिज़ाइन डालना चाहें तो वो भी कम खिलता है, तो इसमें आप इसमें भी हल्का फुल्का पैटर्न डालकर काम कर सकते हैं। तो सिंपल डिज़ाइन के साथ में, कम मेहनत के साथ में एक अच्छा पीस बनकर रेडी हो जाता है। ये गंगा का है डायमंड स्टार, और ये ओसवाल का है। ओसवाल की वूल की कॉपी बहुत सारी मार्केट में आती हैं, तो आपको ऊन खरीदते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बहुत ही काम की चीज़ यहाँ पर बताने लगी हूँ मैं आपको। जब भी आप ओसवाल की ऊन का बॉल खरीदेंगे ना, तो इसमें OWM का मार्क होता है, ये शीप बनी हुई है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ये निशान अगर आपको दिखाई देता है बॉल के ऊपर, तो ये ऊन असली है। अगर ये निशान नहीं है उस पर, ये जो भेड़ बनी हुई है, तो ये ऊन फिर कॉपी है ओसवाल की, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपको ओसवाल की ऊन खरीदनी है। ओसवाल की कोई भी ऊन अगर आप खरीदेंगे ना, ये ही नहीं, इसके अलावा कोई भी ऊन अगर आपको खरीदनी है, प्लेन खरीदनी है या जो भी खरीदनी है, तो उस पर ये वाला निशान ज़रूर देख लिया कीजिए। अभी फ़िलहाल में मेरे पास इतना ही है आपको दिखाने के लिए। तो ये हो गई ऊन, और बाकी कोई ऊन अगर ऐसी है जो जिसके बारे में आपको पता है और आप उसका मुझसे रिव्यू चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस ऊन के बारे में भी आपको बता दूंगी। कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऊन के साथ में क्रोशिया सेलेक्ट कैसे करते हैं उसकी टिप्स बताऊँगी बिगिनर्स के लिए, ऊन के साथ में सही क्रोशिया हुक कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरी वीडियो देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन साथ में आने वाली घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना नहीं छोड़िएगा प्लीज़। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।